Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays I am discussing topics of philosophy, that is educational philosophy, in which this time I am going to discuss a very important, relevant and interesting philosophy, that is naturalism, Prakritivad. The lecture will be in bilingual mode and it must be useful for you all. So, first of all, naturalism, प्रकृतिवाद. Naturalism क्या है? प्रकृतिवाद है. प्रकृतिवाद क्या है? एक ऐसा दर्शन जो कि 18वीं शताब्दी में you can say कि develop हुआ, विकसित हुआ. It is based on the assumption that nature represents the wholeness of reality. किस मूलभूत मान्यता पर ये दर्शन आधारित है? ये कहता है कि जो प्रकृति है, वही प्रतिनिधित्व करती है जितनी भी हमारी सच्चाई है, यथार्थता है. यथार्थता की संपूर्णता का पूरा प्रतिनिधित्व प्रकृति करती है. इस वाद के अनुसार नेचर इटसेल्फ इज अ टोटल सिस्टम दैट कंटेन्स एंड एक्सप्लेन्स ऑल एग्जिस्टेंस इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन नेचर. ये कहता है कि प्रकृति अपने आप में एक पूरा निकाय है जिसके अंदर सब कुछ, सारा अस्तित्व प्रकृति के अंदर ही समाहित है, चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्य की प्रकृति हो, सब कुछ. ठीक. फिर नेचुरलिज्म डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड नेचर, बिहाइंड नेचर एंड अदर देन नेचर सच एज सुपरनेचुरलिज्म. ये कह रहा है कि प्रकृतिवाद अस्वीकार करता है किसी भी अन्य अस्तित्व का जो नेचर के बियॉन्ड हो, यानी कि प्रकृति के परे, प्रकृति के पीछे, प्रकृति के अलावा, चाहे वो सुपरनेचुरलिज्म ही क्यों ना हो, कुछ भी नहीं है, यानी कि प्रकृति ही सब कुछ है प्रकृतिवाद के अनुसार. ठीक. इट इज द डॉक्ट्रीन विच सेपरेट्स नेचर फ्रॉम गॉड. ये ईश्वर को भी प्रकृति से अलग करती है, ये दर्शन अलग करता है. अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म ओनली नेचर इज एवरीथिंग, नथिंग इज बिफोर एंड बियॉन्ड इट. प्रकृतिवाद कहता है कि केवल प्रकृति ही सब कुछ है, इसके पहले और इसके परे कुछ भी नहीं है. ठीक. इसका थियोरेटिकल रैशनेल मैंने आपसे जब फिलोसफी ऑफ एजुकेशन डिस्कस किया था तो मैंने कहा था फिलोसफी को समझने के लिए, किसी भी फिलोसफी को समझने के लिए आप उसका एपिस्टेमोलॉजी जान लीजिए, एक्सियोलॉजी जान लीजिए, मेटाफिजिक्स जान लीजिए, आप उसे समझ जाएंगे. मतलब उस दर्शन के हिसाब से ज्ञान क्या है, उस दर्शन के हिसाब से मूल्य क्या है, उस दर्शन के हिसाब से रियालिटी क्या है. तो नेचुरलिज्म के लिए एपिस्टेमोलॉजी क्या है, मतलब नेचुरलिज्म ज्ञान को क्या मानता है. वो कहता है कि नेचुरलिस्ट हाईलाइट द वैल्यू ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि जो प्रकृतिवादी हैं वो वैज्ञानिक ज्ञान को महत्ता देते हैं, वैज्ञानिक ज्ञान को मूल्य देते हैं. फ्रांसिस बेकन इम्फेसाइजेस द इंडक्टिव मेथड फॉर एक्वायरिंग द साइंटिफिक नॉलेज थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, एक्यूमुलेशन एंड जनरलाइजेशन. यानी कि फ्रांसिस बेकन जो एक प्रकृतिवादी हुए, उन्होंने आगमन विधि की मतलब पर बल दिया है कि आप नेचुरलिस्ट हैं तो आप आगमन विधि का यूज कीजिए, इसके थ्रू आप जो है वो वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, प्रेक्षण कर सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं और सामान्यीकरण कर सकते हैं. ये सब साइंटिफिक नॉलेज की क्या है, एक्सप्लेनेशन है, की कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप जानते हैं. ही ऑल्सो लेज इम्फेसिस ऑन द इम्पीरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज. इसके अलावा उन्होंने मूलानुभाती, जो इम्पीरिकल का मतलब होता है जिसको आप अपनी ज्ञानेन्द्रियों से ऑब्जर्व कर सके, है ना, वो, और प्रायोगिक ज्ञान पर भी महत्व दिया है. फिर नेचुरलिस्ट्स आल्सो लेज स्ट्रेस ऑन सेंसरी ट्रेनिंग एंड सेंसेस आर द गेटवेज टू लर्निंग. बार बार ये कोटेशन आता है कि नेचुरलिज्म के द्वारा ये कोटेशन दिया गया है कि जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं वो अधिगम के द्वार हैं. कहने का क्या मतलब है कि सारा ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर नेचुरलिस्ट जो है वो बल देते हैं. टू नेचुरलिस्ट वैल्यूज अराइज फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट. जो प्रकृतिवादी हैं उनके लिए मूल्य कैसे उत्पन्न होते हैं, मूल्य जो है वो मनुष्य के वातावरण के अंतः संबंध से उत्पन्न होते हैं. इंस्टिंक्ट्स, ड्राइव्स एंड इंपल्सेस नीड टू बी एक्सप्रेस्ड रादर देन रिप्रेस्ड. जो हमारी उत्कंठाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जो हमारे आवेग हैं, प्रकृतिवादी कहते हैं कि उसको दबाने की जरूरत नहीं बल्कि उसको मुखरित होने दीजिए. According to them, there is no absolute good or evil in the world. Values of life are created by the human needs. वो कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं जो सबके लिए सही है, जो सबके लिए बुरी है. यानी कि absolute अच्छाई और absolute बुराई कुछ भी नहीं होती है, बल्कि जो हमारे जीवन के मूल्य होते हैं वो हमारी ही आवश्यकताओं से उत्पन्न होते हैं. ठीक है. The great names associated with naturalism are Rousseau, Pestalozzi, Spencer and Rabindranath Tagore, है ना. रूसो का नाम हम लोगों ने बहुत सुना है. मैंने रूसो ऑन एजुकेशन भी आपसे बात की है. सॉरी यार,
मैंने रविंद्रनाथ टैगोर ऑन एजुकेशन भी आपसे बात की है, तो उनकी जो सेइंग्स हैं, उनके जो कोटेशंस हैं, उनकी जो विचारधारा है वो प्रकृतिवादी ही है। ठीक है, फिर शिक्षा पर प्रकृतिवाद क्या कहता है? प्रकृतिवाद एक ऐसी फिलोसफी है जिसने बहुत शिक्षा की थ्योरी और प्रैक्टिस पर अपना प्रभाव डाला है। इट्स डिक्रीज ऑल रिक्राइज ऑल एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट एंड कंडेम्स ऑल नेसेसरी फॉर्मेलिटीज। सभी प्रकार के ऊपरी जो दबाव हैं, ऊपरी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो फॉर्मेलिटीज हैं, उनका विरोध करती है नेचुरलिज्म। इन द नेचुरलिस्टिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन देर इज नो प्लेस फॉर क्लासरूम्स, टेक्स्ट बुक्स, टाइम टेबल, करिकुलम, फॉर्मल लेसन और एग्जामिनेशन। कहते हैं कि जो प्रकृतिवादी शिक्षा का तरीका है उसमें कोई जगह नहीं है कि कोई कक्षा कक्ष हो, पुस्तकें हो, टाइम टेबल हो, पाठ्यक्रम हो, कुछ आपको फॉर्मल लेसन दिया जाए या आपका फॉर्मल एग्जामिनेशन लिया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। द टीचर हैज टू प्ले द रोल ऑफ एक्वाइंटिंग चिल्ड्रन विद देयर नेचुरल एनवायरमेंट। यहाँ शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक को सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विद्यार्थी को उसके जो प्राकृतिक वातावरण है उसके संग सामंजस्य बिठाना सिखाना है। एक्सटर्नल डिसिप्लिन इज ऑल टुगेदर आउट ऑफ प्लेस। जो ऊपरी अनुशासन होता है, जो हम आप पर थोपते हैं कि आप बात करेंगे तो क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जगह नहीं है। द ओनली डिसिप्लिन इज द डिसिप्लिन ऑफ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। केवल प्राकृतिक परिणामों के अनुसार आपको अनुशासित करने की बात की जाती है नेचुरलिज्म में। अब खैर इसका बहुत विरोध भी हुआ कि आप बच्चे को कैसे छोड़ सकते हैं कि आप प्रकृति उसको समझाएगी, प्रकृति उसको दंड देगी। तो प्रकृति का दंड कभी कभी बहुत खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन नेचुरलिस्ट बात करते हैं कि डिसिप्लिन नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से ही आना चाहिए। नेचुरलिज्म बिलीव्स दैट फॉर्मल एजुकेशन इज द इन्वेंशन ऑफ सोसाइटी व्हिच इज आर्टिफिशियल। प्रकृतिवादी ये विश्वास रखते हैं कि जो फॉर्मल स्कूलिंग है उसका जो आविष्कार है वो समाज ने किया है, इसलिए वो अप्राकृतिक है, इसलिए उसको आप छोड़ दीजिए। गुड एजुकेशन कैन बी पॉसिबल ओनली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद नेचर। वो कहते हैं अच्छी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ आपको कैसे मिल सकती है? जब आप प्रकृति के संपर्क में रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे प्रकृतिवाद क्या कहता है? नेचुरलिज्म अटैचेस लेस इंपॉर्टेंस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्मल स्कूल एंड टेक्स्ट बुक्स। ये बात हो गई, जैसे कि रूसो ने कहा, जब आप याद कीजिए रूसो पर जब बात हो रही थी, कि एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ऑथर ऑफ नेचर, बट एवरीथिंग डीजनरेट्स इन द हैंड्स ऑफ मैन। वो कह रहा है कि हर चीज जो प्रकृति का जो रचयिता है उससे आती है वो आपको सही मिलती है, स्वच्छ मिलती है, साफ मिलती है, शुद्ध मिलती है, लेकिन मनुष्य के हाथ में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। According to him, nature is the only pure, clean and ennobling influence. Human society is thoroughly corrupt. जो कह रहे हैं कि जो मनुष्य का समाज है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है। मतलब सैकड़ों साल पहले भी उनको पता था कि मनुष्य का समाज भ्रष्ट है, तो आज कितना भ्रष्ट है आप समझ सकते हैं। Therefore, man should be freed from the bondage of society. इसीलिए कह रहे हैं कि मनुष्य को समाज का बंधन है उसे मुक्त कर दीजिए। एंड ही शुड बी एनेबल टू लिव इन द स्टेट ऑफ नेचर, ताकि वो प्राकृतिक दशा में प्रकृति के साथ रह सके। देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? नेचुरलिस्ट कह रहे हैं, मतलब प्रकृतिवादी दर्शन ये कह रहा है। तो जो प्रकृतिवादी हैं वो सब इसको मानते हैं और इसको फॉलो करते हैं। ह्यूमन नेचर इज एसेंशियली गुड एंड इट मस्ट बी गिवन फुलेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्री डेवलपमेंट इन ए फ्री एटमोसफेयर। वो कह रहे हैं मनुष्य का जो स्वभाव है, जो मनुष्य की प्रकृति है वो अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप उसको पूरा अवसर दीजिए कि उसका पूरी तरीके से विकास हो सके एक मुक्त वातावरण में। द स्कूल टू द नेचुरलिस्ट इन नो वे डिफरेंट फ्रॉम द होम। वो कह रहे हैं कि अगर आप विद्यालय बनाइए भी तो वो बिल्कुल घर जैसा वातावरण हो। जैसे कि फ्रोबेल ने उसका नाम ही क्या दिया है, किंडर गार्टन, यानी बच्चों का आंगन, बगीचा। पेस्टोलॉजी भी कहते हैं कि कोई अंतर नहीं होना चाहिए घर और बाहर। टैगोर भी बिलीव करते हैं कि बच्चे को जो है वातावरण में सिखाओ, इंटीमेसी उनकी डेवलप हो। इसी तरह से वो कहते हैं कि नेचर ऐसी जगह है जहाँ बच्चे की रुचि, उसकी एस्पिरेशन सब आपस में मिलती हैं। इसलिए सिर्फ आप नेचर को जानिए मत, बल्कि नेचर में रहिए, नेचर में समय बिताइए। वो कह रहे हैं क्लास टैगोर क्या बताते थे विश्व भारती में, कि बाहर पेड़ के नीचे कक्षाएं लीजिए, है ना। फिर एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन में और क्या, कि नेचुरलिज्म जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस पर ध्यान देते हैं। वो कहते हैं कि आप बच्चे को फोर्स मत कीजिए पढ़ने के लिए, वो उसकी अपनी कैपेसिटी है, वो अपनी पेस से पढ़ेगा। विद्यालय को बच्चे की वैयक्तिक अंतर के बीच को ध्यान देना चाहिए। शिक्षा का मेथड ऐसा हो जो बच्चे को अपने एक्सप्रेशन के लिए प्रेरित करे, वो कुछ क्रिएटिव कर सके, वो उसको रोकिए मत। देखिए रोकने से क्रिएटिविटी हिंडर होती है, ठीक है।
और करिकुलम उन्होंने कहा कि वो सब कुछ जिसका नेचर से लेना देना है वो पढ़ाइए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लैंग्वेज और मैथमेटिक्स भी पढ़ाइए, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म को उन्होंने डिनाई किया प्रकृतिवादियों ने। क्यों? क्योंकि वो सुपर नेचुरल पावर को नहीं मानते हैं। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर क्योंकि बल्कि एक नेचुरलिस्ट है, लेकिन वो स्पिरिचुअलिज्म की बात उन्होंने अपनी परीक्षा में की है। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चे का जो है हार्मोनियस डेवलपमेंट हो सके, सब कुछ हमको उनका विकसित करना है, तो अध्यात्म की भी बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। वैसे नेचुरलिस्ट जो है वो स्पिरिचुअलिज्म को डिनाई करते हैं। इसके अलावा रूसो ने नेगेटिव एजुकेशन की बात की थी, जो मैंने आपसे रूसो के साथ भी डिस्कस किया था। नेगेटिव एजुकेशन क्या है? वो कह रहे हैं कि स्कूल बैक टू नेचर है ना, स्कूल, सोशल ऑर्डर, फॉर्मेलिटी, फॉर्मल क्लासेस, फॉर्मल क्लासरूम की बात मत करो। बच्चे को डायरेक्ट सीखने दो, उसकी सेंसेस का बस डेवलपमेंट कर दो, वो खुद सीख जाएगा, है ना। और उन्होंने कहा कि जब बच्चा तैयार हो तब सिखाओ, जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस की बात की गई है। अकॉर्डिंग टू देम चाइल्ड्स नेचर इंटरेस्ट एंड नीड्स प्रोवाइड द बेसिस ऑफ करिकुलम। वो कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम कैसे बनेगा, उसका आधार क्या होगा, बच्चे की रुचि, उसकी प्रकृति, उसकी आवश्यकताएं। और मेथड्स ऑफ टीचिंग, जैसा कि इतनी देर में समझ में आ गया कि करके सीखेगा बच्चा, अनुभव से सीखेगा, खेल के सीखेगा। बहुत सारे जो नए मेथड हैं वो इवॉल्व हुए नेचुरलिस्ट इम्प्लीकेशन के द्वारा, वो कौन कौन से, जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्लेवे मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, है ना, खोज के सीखना। बच्चे को आप टॉपिक दे दीजिए, उसको आप एनवायरमेंट दे दीजिए, उसको बस मटेरियल दे दीजिए, वो खुद सीखेगा। डाल्टन मेथड, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। ये मेथड कहता है कि बच्चे को आप क्लासरूम, जैसे टाइम टेबल है ना कि 45 मिनट का क्लास बना हुआ है, तो आप एकदम मन से पढ़ रहे हैं, एकदम आपका एकदम मन लग गया है क्लास में। मान लीजिए लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी पढ़ाया, हिस्ट्री पढ़ाई जा रही, ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही, लेकिन तब तक घंटी बज जाती है और क्लास खत्म हो जाता है और आपको वो बुक बंद करनी होती, दूसरी खोलनी होती। तो वो कहते हैं कि क्या बच्चे का मन क्लासरूम की घंटी के हिसाब से वो सब्जेक्ट से दूर हो जाता है और दूसरे में चला जाता है? ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि हो सकता है हमारा मन पिछली क्लास में लगा हो, हमारा मन कर रहा हो कि वही काम कर लेते फिर इसको करते, पर हम इसको नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम टेबल। तो डाल्टन मेथड कहता है कि आप बच्चा जब टास्क कंप्लीट कर ले तब दूसरे सब्जेक्ट पर जाइए, है ना। तो हम जानते हैं ये सब इनोवेशंस हिंदुस्तान में अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यहाँ इतनी जनसंख्या है, हमारा टीचर स्टूडेंट रेशियो इतना खराब है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बढ़िया मेथड है, मॉन्टेसरी मेथड। ये सारे मेथड नेचुरलिस्ट मेथड के बाद अप्लाई हुए। और टीचर के लिए क्या कहता है प्रकृतिवाद, कि टीचर क्या हो, उसको क्या करना है, बच्चे को रोकना है नहीं है, बच्चा अपने से सीख रहा है, तो आप सिर्फ प्रेक्षण कीजिए, उसको सुविधा प्रदान कीजिए, सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। रॉस कहते हैं कि टीचर इन ए नेचुरलिस्टिक सेटअप इज ओनली ए सेटर ऑफ द स्टेज, यानी कि आप स्टेज बना दीजिए उसके लिए, उसको मटीरियल दे दीजिए, अवसर दे दीजिए, एनवायरमेंट दे दीजिए, और ऐसी दशाएं उत्पन्न कीजिए जिससे कि उसका प्राकृतिक विकास हो सके। नॉन इंटरफेरिंग ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कीजिए, मतलब आपको इंटरफेरेंस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन कौन मेंटेन करेगा? नेचर। फॉर रूसो द टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए पर्सन हु इज इन कंप्लीटली इन ट्यून विद द नेचर। रूसो क्या कहते हैं, शिक्षक वो हो जो बिल्कुल प्रकृति से सामंजस्य हो, जो व्यक्ति की गुडनेस को समझे, जो आप बच्चे के टाइम टेबल को फॉलो करे। जैसे कि इमील, जो उनका नॉवेल हुआ, इमील एक लड़का है और उसी की शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करते हुए उन्होंने पूरा शिक्षा दर्शन अपना समझाया। वो कहते हैं कि टीचर वो हो जो ह्यूमन के नेचर को समझे, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट को समझे, कि बच्चा किस स्टेज पे है, कितना सीख सकता है, उससे ज्यादा सीखने के लिए आप उसको बाध्य मत कीजिए, फोर्स मत कीजिए, उसको अपने हिसाब से ग्रो करने दीजिए, उसको एक्सप्लोर करने दीजिए नेचर को एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन के द्वारा, ठीक है। और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, बहुत सारी इसकी खासियत है, जैसे पता चल गया होगा कि बच्चे की साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, साइंटिफिक स्टडी हो रही है सोसाइटी की। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज को ये महत्ता देते हैं। एक्सपेरिमेंट सेंटर्ड करिकुलम की बात करते हैं, बहुत सारे मेथड्स ऑफ टीचिंग ईजाद हुए हैं, है ना, बच्चे को अननेसेसरी रोकने के लिए मना करते हैं। लेकिन डीमेरिट्स भी हैं, जैसे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दी गई है, शिक्षक को बहुत कम इंपॉर्टेंस है, और बच्चे की सिर्फ प्रेजेंट नीड की बात होती है, कुछ फ्यूचर नीड के बारे में बात नहीं की गई है इस फिलॉसफी में भी। ओवरऑल ये एक बहुत बढ़िया फिलॉसफी है और बहुत इसका इम्प्लीकेशन है एजुकेशन में, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, बहुत पूछी जाती है, आपको इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सो इट इज ऑल अबाउट नेचुरलिज्म। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय साइड। ओके।